Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। कुमकुम भाग्य में लीप के बाद होगी नई एंट्री, ऐसा है किरदार। कुमकुम भाग्य शो में 6 साल का लंबा लीप आने वाला है और इस लीप के साथ शो में चाइल्ड आर्टिस्ट त्रिशा रुद्गी की एंट्री होगी। शो में त्रिशा खुशी नाम की लड़की का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं, जिनका प्राची और रणवीर की जिंदगी में अहम रोल होगा। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। शाहरुख खान से मिलने मन्नत के बाहर पहुंचे अब्दुल रोजी। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर काफी छाए हुए हैं, उनके फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो वहीं तजाकिस्तान के सिंगर और बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रोजिक भी शाहरुख खान के घर के बाहर पहुंचे हैं। उनके साथ शाहरुख खान के तमाम फैंस और उनके फैंस नजर आए। अब्दुल रोजिक की शाहरुख खान के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। एकता के बीस्ट शो में एक और एक्टर की एंट्री, ऐसा है रोल। एकता के बीस्ट शो में एक्टर रुशेल पारेख की एंट्री की खबरें हैं कि शो में रुशेल लीड हीरो के भाई के किरदार में नजर आएंगे। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। प्रियंका टीना को फराह की फटकार, लोगों को नहीं आई रास। प्रियंका और टीना ने मिलकर शालिन की खराब हालत का पिछले दिनों काफी मजाक उड़ाया। उन्होंने इस पे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसी कारण फराह खान, जो कि इस वीक शो की होस्ट हैं, उन्होंने दोनों को जमकर फटकार लगाई है। यहां तक कि टीना के एटीट्यूड पर काफी गुस्सा भी जाहिर किया है। लेकिन प्रियंका को फराह की डांट उनके फैंस को पसंद नहीं आ रही और लोग प्रियंका को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। क्या टीना होंगी बिग बॉस 16 से बाहर? खबरें सामने आई हैं कि इस वीक टीना दत्ता का सफर खत्म होने वाला है। बता दें कि इस समय घर में टीना के अलावा शालिन, प्रियंका, अर्चना, शिव, एमसी स्टैन, निर्मित, सुम्बुल बचे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भी टॉप 6 कंटेस्टेंट फिनाले तक जाएंगे और एक मिड वीक इवेक्शन भी होगा। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। शीजान की रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे वकील। शीजान खान न्यायिक हिरासत में है और उनकी बहनें फलक और शफाक नाज और उनकी मां उन्हें निर्दोष साबित करने में लगी हुई हैं। अब लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि शीजान के वकील ने उनकी रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। टीवी का तड़का, सातवें आखिरी टॉप न्यूज। निकी तंबोली ने ब्लैक बिकिनी में फ्रंट किया परफेक्ट फिगर। टीवी एक्ट्रेस निकी तंबोली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ब्लैक बिकिनी में बेहद बोल्ड लग रहे हैं। निकी का ये रूप देखकर फैंस काफी इंप्रेस हुए हैं और उन्हें उनका ये बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में निकी अपने फिगर को फ्रंट कर रही हैं। बता दें कि बोल्डनेस और बेबाकी के मामले में निकी के सामने बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस पानी भरती हैं। तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।